डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी का मैथ क्लास सिक्स का ये मैथ है, चैप्टर टू है और एक्सरसाइज 2.3। चैप्टर टू का ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करने के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें से कौन जीरो प्रस्तुत नहीं कर रहा है, मतलब इसमें से किसको कैलकुलेट करने पर जीरो नहीं आएगा। तो इसको बनाकर देख लेते हैं, जीरो कौन नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर वन और इसका ए नंबर लेते हैं। ए नंबर में क्या दिया हुआ है, वन प्लस जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। वन और जीरो को ऐड करेंगे तो वन आ जाएगा। बी नंबर लेते हैं और इसमें दिया हुआ है जीरो इंटू जीरो, तो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। और सी नंबर में दिया हुआ है जीरो बाय टू, तो जीरो बाय टू ले सकते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जीरो आएगा। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो जीरो आंसर आता है, ये जीरो हो गया। उसके बाद डी नंबर में ले लेते हैं, डी नंबर, तो इसमें दिया हुआ है टेन माइनस टेन बाय टू, तो टेन माइनस टेन करेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, जीरो बाय टू। और जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर हमें जीरो प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि बी में भी हमको जीरो मिला, सी में भी जीरो मिला, डी में भी जीरो मिला। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा जो है यहाँ पर जीरो नहीं देगा, जीरो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा ए, इसमें जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए, ए नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ए विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, अगर दो होल नंबर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर जीरो आता है, कैन वी से, तो हम लोग कह सकते हैं कि वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स। तो इसको एग्जांपल्स के द्वारा दिखाने के लिए कह रहा है। तो इसको हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं तब पता चलेगा हम लोग को। क्वेश्चन नंबर टू हो गया, और टू नंबर लेते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पता चलेगा। सबसे पहले लेते हैं जीरो, लेते हैं इंटू जीरो, जीरो से ही करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। उसके बाद फिर जीरो लेते हैं, इंटू वन लेते हैं तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा, फिर जीरो मिलेगा। उसके बाद फिर जीरो लेते हैं, इंटू टू लेते हैं तो फिर क्या मिलेगा, फिर जीरो मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर दोनों नंबर जीरो हो, अगर दोनों नंबर जीरो हो तब भी हमें जीरो मिलता है, और उसमें से उन दोनों में से एक भी जीरो हो तब भी हमें जीरो ही मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एस, एस वन और बोथ, ये हो जाएगा। सबसे पहले एस लिखेंगे और वन और बोथ, मतलब एक भी जीरो हो सकता है और दोनों भी जीरो हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को जीरो ही मिलेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन, अगर दो नंबर, दो होल नंबर है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका आंसर आ रहा है वन, कैन वी से दैट वन ऑफ बोथ, वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन, तो हम लोग कह सकते हैं कि या तो उसमें से एक जो है वन है या फिर दोनों वन है, तो क्या होगा, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स लेना है और इसको जस्टिफाई करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि दोनों वन होगा या एक वन रहने से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे लेते हैं थ्री में, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करते हैं, वन इंटू वन, दोनों वन लेते हैं तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा। फिर वन इंटू टू लेते हैं तो क्या मिलेगा, टू मिलेगा। वन इंटू थ्री लेते हैं तो क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा। इसका मतलब है कि
दोनों नंबर जो है वो वन रहेगा तभी हमें वन प्राप्त होगा। अगर उसमें से एक कोई भी नंबर दूसरा अगर नंबर रहता है वन नहीं रहता है तो वह हमें रिजल्ट वन प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वी फाइंड, ये हम लोग लिख सकते हैं वी फाइंड बोथ ऑफ देम विल बी वन। हम लोगों ने देखा हम लोगों को क्या मिलता है, अगर दोनों साइड वन रहता है तभी हमें वन प्राप्त होता है, अदरवाइज हमें वन प्राप्त नहीं होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। अब आगे चलते हैं, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे निकालने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो इसका प्रोडक्ट निकालना है और यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसको यूज करते हुए इसका आंसर निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर। तो इसका ए नंबर में दिया हुआ है 728 × 101। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक जो नंबर रहता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब बांट देते हैं, उसको दो टुकड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे दो टुकड़ा कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 728 रख दिए और इसको जो है दो पार्ट में बांट देते हैं, ये हो गया 100 + 1। लास्ट टाइम इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन बना के दिखाए थे, तो यहाँ भी इसी तरह से हो जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 728 × 100 हो गया प्लस 728 × 1, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, काफ़ी इजी है, 728 पे 20 आ गया प्लस 728। अब इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 82, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो 82 यहाँ पे 20 है तो यहाँ सबसे पहले वही नंबर आ गया, उसके बाद 537, ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर में बी में दिया हुआ है 54 × 37 × 1001। तो ये जीरो वाला नंबर जब दिया रहता है तो काफ़ी आसान हो जाता है, तो इसको भी उसी तरह से कर लेते हैं, इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, 1000 हो गया प्लस 1, 5437 × 1000 प्लस 5437 × 1, तो ये इतना ही रह जाएगा और ये इस पे 30 आ गया प्लस 5437, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही रह जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 544 2437, ये इसका आंसर हो गया। इन दोनों को ऐड करने पर ये हमको मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं सी नंबर पे, क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पे ई नंबर तक दिया हुआ है, तो सी नंबर में दिया हुआ है 824 × 25। फिर इसमें से एक नंबर को हम लोग दो पार्ट में कर देते हैं, 824 हो गया, 824 × ये 20 + 5, ये हो गया। अब इसको पहले इससे और फिर इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 824 × 20 + 824 × 5, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 16480, ये हो गया। उसके बाद और इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा 4120, ये। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड करने पर हमें प्राप्त होगा 20600। सी नंबर का आंसर ये हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर डी लेते हैं, और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4275 × 125। तो इसमें से एक नंबर को टुकड़ों में कर लेंगे, 4275 × इसमें तीन पार्ट में ये बढ़ जाएगा, 100 + 20 + 5, ये थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसको 4275 × 100 से पहले होगा, फिर प्लस, फिर 4275 × 20 हो जाएगा
और फिर प्लस यहाँ पे 42 75 × 5, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमको मिल जाएगा वही नंबर रहेगा, सिर्फ दो जीरो इस पर आ जाएगा, ये दो जीरो इस पर डाल दिए, प्लस फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिल जाएगा 8 55 पे दो जीरो, प्लस फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 21 375, ये नंबर मिल जाएगा। और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 53 43 और 75, तो ये नंबर मिलेगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हो गया, अब एक बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 504 × 35, तो इसमें ये जो नंबर है इसको हम टू पार्ट में कर लेते हैं, 500 + 4, ये हो गया × 35। तो सबसे पहले 500 के साथ 35 मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस और फिर 4 के साथ 35, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को मिल जाएगा 175 पे डबल जीरो आ जाएगा, प्लस 4 × 35, तो ये मिल जाएगा 140, और इसको ऐड करने पर हम लोगों को मिलेगा 17640, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या बतला रहा है, स्टडी द पैटर्न, इस पैटर्न को स्टडी करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे 1 है, फिर 8 मल्टीप्लाई दिया हुआ है, फिर प्लस 1 दिया हुआ है, इक्वल टू 9 दिया हुआ है, फिर 1 के बाद यहाँ पे 2 लगाया गया है, 1 के बाद 2 और 12 हो गया, यहाँ पे 8 फिर 8 रख दिया है, और यहाँ 1 के बाद 2 लगाया गया है, तो फिर 98 मतलब 1 यहाँ पे कम आया। फिर उसी तरह से यहाँ 3 लगाया है, फिर 8 है, प्लस 1 2 3 यहाँ पे लगाया, फिर 9 8 7 इस तरह से आया हुआ है, तो यहाँ 4 गया, यहाँ 5 गया इस तरह से। तो यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, तो इस पैटर्न के अनुसार 2 स्टेप और लिखना है, तो इसको हम लोग यहीं पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके अनुसार से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, एक स्टेप हो गया, इसको मल्टीप्लाई किए 8 से, और यहाँ पे प्लस किए तो 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 6 कर देते हैं, और यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो है उसको पहले लिख लेते हैं 9 8 9 8 7 6 5, और यहाँ पे हो जाएगा 4, एक स्टेप ये हो गया। और दूसरा स्टेप इसी तरह से लेते हैं, दूसरा स्टेप में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 × 8 हो गया, प्लस 7 हो गया, इक्वल टू 9 8 7 6 5 4 3, तो दूसरा स्टेप में ये आ जाएगा। ये दो स्टेप चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और ये एक ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, हिंट बतला रहा है कुछ, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स, तो क्या आप बतला सकते हैं कि ये पैटर्न किस तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, और ये पैटर्न जिस तरह से वर्क कर रहा है इस तरह से ये भी कर रहा है, तो ये किस तरह से कर रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 एक लिखते हैं हम लोग, 1 हो गया ये इस तरह से, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 1 इक्वल टू 1, इसका वैल्यू सेम है। अब हम फिर लेते हैं 1 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो बार ये डबल 1 लिए मतलब 11 प्लस 1 इस तरह से, तो फिर यहाँ पे लेते हैं 1 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू फिर यहाँ 101 111 प्लस 11 प्लस 1 इस तरह से वर्क किया। फिर यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, फिर 1 2 3, फिर 1 2 और फिर 1 इस तरह से हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका मतलब है कि यहाँ पे फर्स्ट में हम 5 1 लेंगे, 4 1, और 5 हो गया, इसके बाद फिर 4 लेंगे, 1 2 3 4, फिर प्लस 1 2 3
प्लस वन टू प्लस वन, इस तरह से ये जिस तरह से ये वर्क कर रहा है उस तरह से ये भी पैटर्न जो है इस तरह से ये वर्क कर रहा है। इसमें जिस तरह से यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पे आ गया है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये पैटर्न किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये इसका आंसर हो गया और यहाँ पे ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाता है और इस एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 पे चलेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को और नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।